तो अब हम अपना ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैंने जो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें फर्स्ट वीडियो में तो मैंने आपको बताया था प्लेन वेव और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेन वेव के तीन डेरिवेटिव होते हैं, वाप्रिप, वेफ्ट्रिप और हॉपसेक वेव। हॉपसेक वेव का प्रैक्टिकल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वाप्रिप क्या होती है। तो जैसा कि इसके नाम से पता पड़ता है, वाप मतलब लेंथ वाइज डायरेक्शन, तो इस वाली वीव में वीव का लेंथ वाइज डायरेक्शन में एक्सटेंशन होता है, यानी वाप डायरेक्शन में एक्सटेंशन होता है। वाप्रिप भी दो तरह की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये रेगुलर वाप्रिप है। इसमें हम 2x2 का मैनर लेंगे। आप यहाँ देखें, मैंने 2 अप और 2 डाउन का मैनर लिया है। ये जो पूरा डिजाइन मैंने आपको बना के दिखाया ये वीव की 4 रिपीट है, ताकि मैं आपको अच्छे से बना के समझा सकूं और आपको अच्छे से विजिबल और समझ में आ जाए कि वाप्रिप क्या होती है। तो ये है रेगुलर वाप्रिप, जहाँ पे 2 अप 2 डाउन, 4 अप 4 डाउन, 6 अप 6 डाउन होता है। जितने अब हम वाप के थ्रेड ले रहे हैं उतने ही अगर हम वेफ्ट के थ्रेड लेते हैं तो वो होता है रेगुलर वाप्रिप। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये गोल्डन वाले वाप हैं, ग्रीन वाले वेफ्ट। तो हमने आपको बताया कि इसमें 2 अप है, तो हम पहले दोनों वाप को अप कर देंगे और थर्ड और फोर्थ वाप को हम डाउन कर देंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पिक इंसर्ट हो जाएगा। इसको हम पीछे ग्लू की सहायता से चिपका देते हैं। अब हम सेकंड पिक डालेंगे। हमने फर्स्ट में दोनों वाप अप रखे थे, तो अब हम दोनों वाप डाउन रखेंगे और फिर हम करेंगे 2 अप। इसको भी हम चिपका देंगे। थर्ड पिक डालेंगे। अब हम करेंगे 2 अप 2 डाउन। फोर्थ 2 डाउन 2 अप। फिफ्थ 2 अप 2 डाउन। Seventh pick, 2 up 2 down. And last is 8th pick, 2 down and 2 up. ये देखें, ये हमारी रेगुलर वाप्रिप है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 up 2 down है, 2 up 2 down है। तो ये हमारी रेगुलर वाप्रिप है। अब आपको मैं इरेगुलर वाप्रिप बना के बताती हूँ। इरेगुलर वाप्रिप में बस फर्क इतना है कि इसमें हमने 2 up 2 down लिया था। इरेगुलर वाप्रिप में हम जो वाप और वेफ्ट का जो मैनर है वो अलग अलग लेते हैं। इसमें मैं आपको 3 up 1 down का मैनर बना के बता रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट 3 up and 1 down, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने 3 वाप को अप किया है तो 1 वाप को डाउन किया है। तो यहाँ पे जहां ये मैनर अलग अलग होता है वाप और वेफ्ट का अप एंड डाउन, वो वीव इरेगुलर वीव कहलाती है। तो ये है इरेगुलर वाप्रिप। अब हमने पहले 3 अप किए थे, तो अब नेचुरली हम 3 डाउन करेंगे और सिंगल अप करेंगे।
नेक्स्ट में हम अगेन तीन अप करेंगे और एक डाउन करेंगे। आप इसमें नोट करिएगा, फर्स्ट थ्री फिफ्थ ये सारे सेम मैनर में होंगे, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ ये सब एक मैनर में होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लेन वीव में दो हील फ्रेम होते हैं, एक में सारे ऑड नंबर के वाप और एक में सारे इवन नंबर के वाप रन करते हैं। तो जो भी इवन नंबर के वाप हैं उनका मैनर एक चलेगा और जो कि ऑड नंबर के वाप हैं उनका मैनर सेम चलेगा। तो अब हम फोर्थ ले रहे हैं, फोर्थ में अगेन थ्री अप, सॉरी फोर्थ में अगेन थ्री डाउन, क्योंकि सेकेंड वाला मैनर होगा और वन अप होगा। फिफ्थ, अभी हमने तीन डाउन लिए थे तो अब हम तीन अप लेंगे और सिंगल डाउन लेंगे। सिक्स्थ, अगेन थ्री डाउन एंड वन अप, सॉरी थ्री अप एंड वन डाउन, अगेन थ्री अप वन डाउन, एंड लास्ट वन इज थ्री डाउन एंड वन अप। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गया इरेगुलर वाप रेप। इसमें आप देखिए तीन अप है फिर वन डाउन है। तो अब अगर आप कंपेयर करें दोनों को कि रेगुलर वाप रेप और इरेगुलर वाप रेप के डिजाइंस में और क्या मैनर में फर्क आता है, तो देखिए मैं आपको दोनों दिखाती हूँ, जिससे आप आराम से कंपेयर करके रेगुलर और इरेगुलर के डिजाइंस में कैसे फर्क आता है वो आपको क्लियर हो जाएगा और आपको दोनों ही वीव रेगुलर और इरेगुलर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये देखिए ये रेगुलर है फर्स्ट वाली, ये इरेगुलर है। इसमें आप देखिए फर्स्ट में अप एंड डाउन बना इक्वल मैनर में है और ये वाली इरेगुलर है, तो इसमें अप एंड डाउन इरेगुलर मैनर में है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको वाप रेप अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वाप रेप कैसे बनती है और इसका इफेक्ट कैसे आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।